Happy birthday to you. Happy birthday to you, Amal. उठाए अमल बेटा, आज जी अमल फातिमा हो गई हैं माशाल्लाह से 3 साल की। तो अमल फातिमा को हमने 12 बजे जगाया, 12 के बाद तो अमल फातिमा उठ के बैठ के, अमल फातिमा ने केक काटने का हमें मौका ही नहीं दिया। अमल फातिमा उठ के केक खाने लग पड़ी, केक जो हम लोगों ने उस दिन आपसे पहले रेसिपी शेयर की थी, हम लोगों ने खुद होम मेड केक बनाया था तो उन लोगों ने ख़राब कर दिया था। और फिर ये वैसा ही एक और केक बनाया तो उसके अंदर हम लोगों ने ग्रेप्स वगैरह जो आम जो चीज़ें थी घर में यूज़ करने वाली तो हमने ये डाली इसके में, ताकि उसको क्या पता कौन सी चीज़ पसंद आती है, जो उसका दिल हुआ वो खा लेगी। तो उसने जो बेचारा ऊपर से छोटा सा भालू लगा हुआ था उसको भी तोड़ दिया, और फिर हमने इसके बड़े विश की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सर? हम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सब ठीक होंगे? घर के काम शाम बस वो तो रोज़ाना डेली रूटीन बस चलते रहते हैं, वो कौन ख़त्म होते। आज हम बना रहे हैं चावल, रोटी सालन भी साथ बना रहे हैं और चावल भी बना रहे हैं। चावल आज थोड़े से बना रही हूँ अम्मा फातिमा और हम अपने लिए, बस 2-3 बंदे जो हैं, 2-3 क्या 4-5 बंदे भी खा सकते हैं। और इसमें मैंने 1 अदद प्याज डाला और को थोड़ा सा चिकन डालती हूँ वो पैकेट वो जो है बिरयानी मसाले का, और जो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक है और टमाटर सब कुछ पेस्ट बना दिया जल्दी जल्दी थी, क्योंकि पहले मैंने सालन बनाया तो फिर 1 बज गया था, फिर चावल में जल्दी थी तो मैंने कहा फटाफट वाला मसाला बनाएं। इसके अंदर मैंने वो जितने इन्ग्रीडियंट साइड डाल दिए, रेड जो है मिर्च वो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, और ये जो है पैकेट वाला मसाला वो इसके अंदर डालती हूँ, जो डब्बे वाला होता है वो भी ठीक होता है और पैकेट भी इसमें मिलता है तो मैं आज वो उसमें डाल रही हूँ। फिर उसके बाद उसमें मैंने पानी डाला, और छोटी सी चकरी तो होनी चाहिए हमें लोगों के घर में, कि वो लोग क्या करें तो वो लोग तंदूर पे लगा रहे थे रोटी, आज लकड़ियों वाले जो है तंदूर उसको आग नहीं लगाए तो ये फिर उसमें रोटी लगा रहे थे। और अम्मल और भी अजिया जो हैं ये लोग अपनी शैतानियों में मसरूफ़ हैं अपने काम शाम में, कभी वो डंडा उठा लेती हैं कभी पाइप, तो वो बस एक दूसरे पीछे लगी होती हैं। और जी फिर आई वापस, हमारा जो पानी है वो तकरीबन हो गया था, फिर मैंने चावल डाले उसके अंदर, आलू भी डाले अमल के लिए क्योंकि अमल चिकन नहीं खाना, तो बस ये जो है मेरे बस चावल तकरीबन बस पानी खुश्क होता है फिर उसके अंदर दम लगाते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली शिमला मिर्च, उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, जैसे चाइनीज़ हम लोगों ने बनाए हैं राइस, तो बस फिर साथ साथ फिर रायता सलाद वो भी बनाते हैं। और यह जी हमारा था दिन का खाना, रोटी भी चख लेते हैं साथ और चावल भी। यह तो फिर चावल से किधर पेट पेट भरता है हमारा, थोड़े से खाने होते हैं ज़्यादा भी ना खाएं। वैसे डाइट के लिए कहते हैं कि कोई कहता है खाएं कोई कहता नहीं खाएं। फिर शाम के टाइम में दही बड़े बड़े तो बेचारे बीच में से उड़ ही गए हैं और सिर्फ दही जो रहेगी मसाला, और शाम की चाय और साथ रात का जो खाना है उसकी तैयारी हो रही है। आज बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, बैंगन आलू शिमला मिर्च टमाटर मिर्च सब कुछ इकट्ठे डाल दिया, और जो खट्टी सब्ज़ी बनती है उसका तो टेस्ट ही मज़क होता है, बहुत मज़क होता है, यही असल सब्ज़ी होती है। हम लोग इतना मसाला भून भून के इसको बनाते हैं बेचारे को क्या। और फिर जी नेक्स्ट आया है समोसियाँ, गए हुए थे भाई लोग बाहर, तो कभी ये जाते हैं इधर कभी चकवाल पिंडे या कभी इस एरिया में जाएं तो वापसी भी बलकसर भी है एक बेकरी है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ये मिलती हैं बेकरी के जो आइटम हैं वो उसमें हैं, तो हर जगह भी अपने अपने टेस्ट हो, लेकिन इस ये इसके मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, बिस्किट्स और जो है पापे रस और फेनियाँ उसके वो बहुत मशहूर हैं उस जगह की, और ये चीज़ें तो ये फिर समोसियाँ ये चीज़ें वहाँ से लेके आए, फिर वो हम लोग जो समोसियाँ हैं उनको ट्रे में डाल के फ्रिज में रखेंगे, जब फ्रीज़ हो जाएंगे फिर पैकेट में डाल रख देंगे, और साथ जो है बिस्किट्स वगैरह इनको ये जो है डिब्बे कंटेनर वगैरह इसके अंदर डाल के फिर करते हैं। और आजकल हमारे टमाटर हो गए हैं बहुत ही सस्ते, अब तो 100 से भी 80 में आ गए हैं, तो जब होता है टमाटर का सालन बहुत मज़े का बनता है, जितना ज़्यादा टमाटर डालो या दही डाल दो तो वो जी टमाटर जब भी जाते हैं टमाटर लेके आते हैं और उनको फ्रीज क्या पता कब महंगे हो जाएं। और बिस्किट जो थे वो 4-5 किस्म के बिस्किट को केक वो चीज़ जो लेके आए और उनको बस हमने डाल के रख दिया, आंट वगैरह नहीं आती ना, और सारे बिस्किट अगर खुले रखो तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, नरम से हो जाते हैं। और जी ये जो सारा सामान शामान लेके आए, और फिर उसके बाद जो थी हमारे सब्ज़ी सालन जो था
वो हो गया है रेडी, बस उसको खुश करती हैं। और शाम के टाइम ये दूध जो हमारे घर में आता है डेली रूटीन में, मैंने आपको बताई थी। हाँ जी, हमारी माशाल्लाह से भी अजी होगी, इतनी बड़ी उन्होंने अपना पार्लर खोल लिया घर में। मैं भी गई तो उन्होंने कहा पप्पो आप भी आ जाएं, अम्मा आप भी आ जाएं जी। लगी हुई है एक दूसरे की अपर लिप्स करने में, बस बच्चियाँ देखती हैं तो वही करना शुरू कर देती। और फिर शाम के टाइम फिर अम्मा जी जो हमारी हैं दादो अम्मा, उन्होंने कहा कि पानी तो लगाना है ज़रूरी ताकि पौधे जो हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। फिर शाम के टाइम हम लोगों ने पानी वगैरह लगाया पौधों को, सब पौधों को। और फिर थोड़ा सा सरसों है साथ साथ, सेन में सारा पानी लगा देते हैं ताकि फ्रेश ठंडा हो जाए, क्योंकि जो है इधर शाम को हम लोग चारपाइयाँ लगाते हैं इस साइड पे भी, हम लोग शाम को बैठते हैं तो ये जो है फर्श जो है मार्बल एंटे वगैरह जो सारा दिन इतनी सख्त धूप लगती है गर्मी में, तो फिर इतना फर्श गर्म हो जाता है तो नीचे भी इतना सारा पानी वगैरह लगाया जाए ताकि हवा शवा चले तो फर्श हो जो है वह जगह जो है वो सही ठंडी हो जाए, और ठंडी ही जगह पे बैठने का और शाम में खुली हवा में बैठने का तो मज़ा ही कुछ और है। बेशक जितने एसी लगे हों, कूलर लगे हुए हों, जो भी लगे हुए हैं, लेकिन जो शाम के टाइम हम बाहर बैठते हैं मगरिब टाइम या उसके बाद, तो वो जो हवा का होता है। और ये जो अक्सर जो मिट्टी में पानी डालते हैं और जो मिट्टी की खुशबू होती है, आह क्या मज़ा आते हैं। हमारे सारे नहीं है पक्के, कहीं कहीं किसी जगह पे जो है साइड पर वहाँ पे भी है मिट्टी भी है, और थोड़ी कम जगह पे हम लोगों ने ये टाइलें वगैरह लगाई हुई हैं तो सेम में मिट्टी बनी, क्योंकि हम लोग जब कुकिंग वगैरह करते हैं देगी शेंगे बनाते हैं तो वो मिट्टी वाली जगह पे ही हम वहाँ पे कुकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। और सर्दियों में तो हम लोगों ने बाहर एक ओपन बनाया हुआ है पसार टाइप उसको कहते हैं, ओपन रूम, वहाँ पे आग लगाते हैं और साग वगैरह बनाते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे। और शाम के टाइम अमल फातमा हरी फातिमा जो है, क्योंकि अब तो छुट्टी थी लेकिन बस सारा दिन उसने कहा कि आज तो छुट्टी, आज मैं संडे इंजॉय करूँगी, तुमने काम शाम लिखा